गरीब किसान था। उसका बेटा सुजीत भी अपने पापा की तरह एक मेहनती किसान बनना चाहता था। इसलिए सुजीत हमेशा अपने पापा से जिद करता रहता कि उसको भी खेतों में जाना है। बेटा, मैं खेतों की जुताई करने के लिए जा रहा हूँ, तुम घर पर अपनी माँ के साथ ही रहना, देखना कहीं बाहर मत निकल जाना धूप में। नहीं पापा, मैं भी आपके साथ आऊँगा, मुझे घर पर नहीं रहना है, मुझे भी देखना है कि खेती कैसे होती है। नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें खेतों में ले जाऊंगा। पर पापा, मैं अभी से ये सब काम सीखना चाहता हूँ और बड़े होकर आपके ही तरह एक मेहनती किसान बनना चाहता हूँ। ये तो बेहद अच्छी बात है बेटा कि तुम हमारे पुश्तैनी खेतों पर आगे भी खेती करते रहोगे, पर इस समय तुम मुझसे खेतों में चलने की जिद मत करो, अभी मुझे देर हो रही है और वैसे भी दिन में धूप बेहद तेज हो जाती है, इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम घर पर ही रुको। ठीक है पापा, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं घर पर ही रुक जाता हूँ, आप चले जाइए। सुधीर अपने बैलों को लेकर खेतों में चला जाता है। वो दिन की तेज धूप में भी खेत जोतता है। ओहो, ये धूप भी ना, इसीलिए तो मैं सुबह जल्दी आ जाता हूँ, पर आज तो सुजीत से बातें करते करते देर हो गई, पर कल से मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा। सुधीर पूरे खेत को जोतने के बाद ही आराम करता है। तेज धूप में काम करने से बैल भी बहुत थक जाते हैं, इसलिए सुधीर बैलों को लेकर घर जाता है। ये लो, पानी पी लो मेरे शेरो, तुम्हें भी प्यास लग गई होगी। सुधीर बैलों को पानी पिलाने के बाद खुद भी आराम करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। सुधीर का खानदान बहुत बड़ा था, इसलिए केवल खेती का काम करने से उनकी अच्छे से देखभाल नहीं हो पाती थी, इसलिए शाम के वक्त सुधीर अपने इन्हीं बैलों से बैलगाड़ी चलाता ताकि कुछ पैसे भी कमा सके। चलो बहुत हो गया आराम, अब शाम हो चुकी है और लोगों के आने जाने का वक्त भी हो चुका है, बैलगाड़ी को तैयार करता हूँ। सुधीर बैलगाड़ी को कपड़े से साफ करता है और अब बैलों को लेकर बैलगाड़ी पर जोड़ देता है। चलो मेरे शेर बैलो, काम पर लग जाते हैं, सावरियों को उनके मंजिल तक पहुंचाते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं। सुधीर अपने बैलगाड़ी को लेकर बाहर सड़क पर निकलता है, तभी उसको एक औरत आवाज देती है। कैसे हो सुधीर भाई? मैं ठीक हूँ बहन, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, जरा मुझे बाजार तक जाना है, ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ, यही तो काम है मेरा। सुजाता सुधीर की बैलगाड़ी में बैठ जाती है और सुधीर बैलगाड़ी को बाजार के लिए हांकता है। कुछ वक्त बाद सुधीर बाजार पहुँच जाता है। ये लो बहन, हम लोग बाजार पहुँच गए हैं। आज मुझे बहुत सारी सब्जियाँ खरीदनी है। क्या कोई त्योहार आने वाला है जो तुम इतनी खरीदारी करने वाली हो? नहीं नहीं, त्योहार तो नहीं है, पर मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले से ही तैयारी करके रखूं, बाद में फिर कहाँ वक्त मिलेगा बाजार आने का। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है, तुम सामान खरीदो, मैं तब तक कोई सवारी ढूंढता हूँ। अरे नहीं, कोई दूसरी सवारी मत ढूंढो, मुझे ही घर जाना है अभी, कुछ वक्त रुको, मैं जल्दी ही आती हूँ। सुजाता जाती है और वहाँ से बहुत सारा सामान खरीद कर लाती है और सारे सामान को बैलगाड़ी में डाल देती है और सुधीर उसको लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। अच्छा हुआ जो तुम मिल गए, नहीं तो बैलगाड़ी ढूंढने में ही शाम हो जाती। अगर कभी भी बाजार जाना हो तो पहले ही बोल दिया करो, मैं उस दिन कोई दूसरी सवारी नहीं देखूंगा। बातों बातों में रास्ता निकल जाता है और सुधीर सुजाता के घर पहुंच जाता है। ये लो भाई, तुम्हारे पैसे। सुधीर सुजाता से पैसे लेता है, उसके बाद सुधीर अपने घर के लिए चल पड़ता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अब सुधीर का बेटा सुजीत भी बड़ा हो चुका है। अब तो पिताजी, मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अब से मैं भी आपके साथ खेतों में आया करूँगा। हाँ ठीक है, अब तो तुम चल सकते हो।
सुजीत बैलों को चारा देता है। वो बैलों से बेहद मोहब्बत करता है। वो इन बैलों को भी अपने खानदान का हिस्सा मानता है। अगली सुबह सुजीत जल्दी उठता है। वो अपने पापा को भी उठाता है। उठ जाइए पापा, हमें खेत जोतने जाना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, कल शाम को बेहद थक गया था इसीलिए देर तक सो गया। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे जगा दिया, नहीं तो शायद दिन तक सोता ही रहता। मैं बैल और हल को लेकर खेत जा रहा हूँ, आप तब तक नाश्ता कर आ जाइए। सुजीत हल और बैलों को गौशाला से लेकर खेतों की तरफ जाता है। सुधीर भी सुजीत के पीछे पीछे खेतों के लिए निकल पड़ता है। अब सुधीर की बजाय सुजीत खेतों को जोतने का काम किया करता है। अब आप आराम करिए पिताजी, अब से मैं इन खेतों की जुताई किया करूँगा। ठीक है बेटा। अब सुजीत इसी तरह से खेती से जुड़े सारे काम को सीख लेता है। पापा, आज से बैलगाड़ी चलाने का काम भी मैं ही करते रहूँगा, अगर आप पूरी तरह आराम करेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। अब सुजीत दिन को खेत में काम किया करता और शाम के वक्त बैलगाड़ी चलाने जाया करता था। वक्त बीतने के साथ उसके पापा सुधीर और उनके दोनों बैल बुजुर्ग हो चुके थे। एक शाम जब सुजीत बैलगाड़ी चलाने के लिए जाता है तो उसके बैल बीमार होने की वजह से बाजार से कुछ पहले ही रास्ते में बैठ जाते हैं। अरे ये कैसे बैल हैं आपके, थककर यहीं बैठ गए, अब मैं समय रहते बाजार कैसे पहुंचूंगी? बेमतलब मैं इस बैलगाड़ी में पहुंच गई, उससे अच्छा होता कि मैं पैदल ही चली जाती। आप फिक्र मत कीजिए, बैल बूढ़े हो चुके हैं इसीलिए थक गए होंगे, कुछ ही देर में उड़ जाएंगे। बुजुर्ग हो गए हैं तो छोड़ दो ना इन्हें जंगल में, क्यों हमारा भी वक्त बर्बाद करते हो फालतू में। मैं इन बैलों के साथ ही बड़ा हुआ हूँ और इनसे बेहद प्यार करता हूँ, चाहे मुझे इनको घर पर बिठाकर खिलाना पड़े तभी भी मैं इन्हें जंगल में भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। वो औरत सुजीत और उसके बैलों को भला बुरा सुनाकर और बिना किराया दिए ही वहाँ से चली जाती है। सुजीत बैलों को लेकर घर वापस आ जाता है। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बूढ़े शेरो, मैं तुमसे तब भी प्यार करता था जब तुम बहुत काम करते थे और अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जब तुम बूढ़े हो चुके हो। अगली शाम को सुजीत फिर से बैलगाड़ी में एक जौहरी को लेकर बाजार जाता है, पर एक बैल फिर से थक जाने की वजह से जमीन पर बैठ जाती है जिससे बैलगाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और जौहरी के हाथों में रखी हीरे की थैली भी उछलकर नदी में गिर जाती है। ये क्या कर दिया तुम्हारे बैलों ने, मुझे मेरे हीरे कल तक वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। इतना कहकर जौहरी वहाँ से चला जाता है। सुजीत बहुत परेशान हो जाता है, उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर बैल भी रोने लगते हैं और वो शिव भगवान को याद करते हैं। हे प्रभु, मेरे मालिक ने मुझे जिंदगी भर पाला और मुझे बेहद प्यार दिया, पर आज मेरे ही वजह से मेरे मालिक मुसीबत में पड़ गए हैं, मैं उनका सहारा भी नहीं बन सका, मेरी मदद करो प्रभु। अपने वाहन को रोता हुआ देख शिव जी प्रकट होते हैं। परेशान मत हो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी अभी दूर कर देता हूँ। शिव जी सुजीत की बैलगाड़ी को पूरा हीरे का बना देते हैं और बैलगाड़ी में एक बड़ी हीरे की पोटली डाल देते हैं। जब ये सब सुजीत देखता है तो वो बैलगाड़ी लेकर जौहरी को उसके हीरे वापस करने के लिए जाता है। ये लीजिए आपके हीरे, अब आपको पुलिस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास इतने सारे हीरे कैसे आ गए, आपको उनसे क्या मतलब, आपको अपने हीरे तो मिल गए हैं ना। सुजीत अपनी बैलगाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। जौहरी देखता है कि सुजीत के पास हीरे की बैलगाड़ी है, ये देखकर जौहरी के मन में लालच आ जाता है। उन हीरों की असली जगह वो बैलगाड़ी नहीं है, मेरी पोटली है, और मैं कल तक सारे हीरे बैलगाड़ी में से निकाल कर अपनी पोटली में जमा कर लूँगा। जौहरी रात के अंधेरे में सुजीत के घर जाता है और बैलगाड़ी से हीरे चुराता है। तभी हीरों से एक रोशनी चमकती है, बैल समझ जाते हैं कि कोई चोर आया है।
दोनों बैल खुद को खूंटे से छुड़ाते हैं और अपने सींगों से जौहरी को मार देते हैं। जौहरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर सुजीत बाहर आ जाता है और सारी बात समझ जाता है। सुजीत जौहरी को पुलिस के हवाले कर देता है।